तमिलनाडु में कथित हिंसा का फर्जी वीडियो शेयर करने के आरोप में गिरफ्तार हुई मनीष कश्यप की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही है। मनीष कश्यप को ले जाने के लिए तमिलनाडु पुलिस की एक टीम पटना आ चुकी है। तमिलनाडु पुलिस की टीम ने पटना की जिला अदालत में मनीष कश्यप को रिमांड पर लेने के लिए याचिका भी दायर की है। वही आपको बता दें, आज इस मामले में सुनवाई होनी है। इससे पहले मनीष कश्यप को ईओयू ने रिमांड पर लिया था। पूछताछ के आखिरी दिन ईओयू की अपील पर कोर्ट ने 3 दिनों के लिए रिमांड को आगे बढ़ा दिया है। आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने उससे 5 दिन तक गहरी पूछताछ की, लेकिन इस दौरान भी वो मनीष कश्यप का मोबाइल बरामद नहीं कर पाई, जिससे कथित तौर पर तमिलनाडु से जुड़े फर्जी वीडियो अपलोड किए गए हैं। हालांकि पूछताछ के बाद ईओयू की स्पेशल कोर्ट में मनीष कश्यप को पेश किया गया, जिसके बाद एसजेएम आदि देव ने मनीष कश्यप को न्यायिक हिरासत में लिया और बेउर जेल भेज दिया है। यूट्यूबर मनीष कश्यप पर आरोप है कि उसने तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों की पिटाई और हिंसा का फेक वीडियो शेयर किया, जिसके बाद तमिलनाडु में रहने वाले बिहार के मजदूरों के बीच पैनिक सिचुएशन पैदा हो गया। बिहार पुलिस ने उस पर 14 जबकि तमिलनाडु पुलिस ने 13 मुकदमे दर्ज किए हैं। ईओयू ने मनीष कश्यप के खिलाफ 3 मामले दर्ज किए हैं। पिछले हफ्ते जब पुलिस उसके घर पर कुकरी जब्ती करने पहुंची थी, तब उसने बेतिया में ही सरेंडर कर दिया था। ईओयू की पूछताछ में अब तक ईओयू को क्या हाथ लगा है, ये फिलहाल स्पष्ट नहीं हो सका है, लेकिन ये बात सामने आ रही है कि पूछताछ के दौरान उसने ज्यादा कुछ नहीं बताया, वह चीजों को स्वीकार नहीं कर रहा है। साथ ही आपको बता दें, मनीष कश्यप ईओयू के सामने बार बार माफी मांग रहा है। आर्थिक अपराध इकाई की टीम को यूट्यूब चैनल से जुड़े कई खातों के बारे में जानकारी मिली है, साथ ही 5 कोचिंग सेंटर के भी खातों से लिंक मिले हैं, जिसके बाद कोचिंग संस्थानों को ईओयू ने नोटिस भेजा है। Thank you.